You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने SRLatch यूजिंग NAND गेट, SRLatch यूजिंग NOR गेट और SR फ्लिप फ्लॉप क्लॉक्ड और गेटेड फ्लिप फ्लॉप जो कि एक ही होते हैं वो हमने पढ़े और उनकी ट्रुथ टेबल भी देखी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उन्हीं की एक्साइटेशन टेबल। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल होती क्या है। तो हमने ये तो आपको बता दिया था कि ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे इनपुट और प्रेजेंट स्टेट की सहायता से नेक्स्ट स्टेट निकाली जाती है उसे हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। मतलब हमें क्या क्या पता होगा, इनपुट पता होगा और प्रेजेंट स्टेट। इसी प्रेजेंट स्टेट को कुछ लोग प्रीवियस स्टेट भी बोल देते हैं और इनकी सहायता से हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेट निकालना है। ये हमारी होती है ट्रुथ टेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। एक्साइटेशन टेबल की अगर हम बात करें तो एक्साइटेशन टेबल का मतलब होता है कि जब हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता हो और हमें क्या निकालना हो, इनपुट निकालना हो, इसे बोलते हैं हम एक्साइटेशन टेबल। ध्यान रखना, कुछ लोग यहां पे नेक्स्ट स्टेट की जगह प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं तो फिर प्रेजेंट स्टेट की जगह क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्टेट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ लोग इसी को प्रीवियस बोल देते हैं क्योंकि नेक्स्ट के लिए प्रेजेंट क्या कहलाएगा, प्रीवियस कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान देना। तो अगर इनपुट और प्रेजेंट स्टेट की सहायता से नेक्स्ट स्टेट मिल रही है तो ट्रुथ टेबल, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की सहायता से इनपुट मिल रहा है तो ये हमारी कहलाएगी ट्रुथ टेबल। साथ ही साथ हमने देखा था कि तीनों जो हमने लेचेज और फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, SRLatch यूजिंग NAND गेट, SRLatch यूजिंग NOR गेट और क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ा। तो क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि अगर क्लॉक जीरो होगी तो होल्ड कंडीशन है, इनपुट का कोई आउटपुट पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अगर क्लॉक वन होगी तो जैसी ट्रुथ टेबल बनती है लेचेज की यूजिंग NAND गेट NOR गेट, उसी तरीके की क्लॉक्ड की भी ट्रुथ टेबल रहती है। तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए क्लॉक बंद है, मतलब दरवाजा खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। उस केस में हमने देखा था ट्रुथ टेबल में कि 0-0 पे हमें क्या मिलती है, होल्ड कंडीशन। होल्ड का मतलब है जो प्रेजेंट होगी वही नेक्स्ट होगी। होल्ड में ध्यान रखना, प्रेजेंट और नेक्स्ट इक्वल होते हैं। होल्ड में दो चीजें दिमाग में रखना है, एस और आर 0-0 होते हैं, Qn और Qn प्लस 1 सेम होते हैं। मतलब जो अभी स्टेट है वही आगे रहेगी, मतलब अभी अगर 0 है तो आगे भी 0 रहेगी, अभी अगर 1 है तो आगे भी 1 रहेगी। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट 0 ही 0 रहेगी, नहीं, 0-0 जरूरी नहीं है, अगर अभी 1 है तो आगे भी 1 रहेगी। होल्ड मतलब वही की वही, ये 0 ये 1, तो इसे बोलते हैं हम रीसेट। रीसेट कंडीशन का मतलब है कि आउटपुट 0 हो जाना, नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाना, उसमें प्रेजेंट स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट स्टेट पे। ये 1-0 दिया तो 1 हो जाना आउटपुट, इसे बोलते हैं सेट कंडीशन। सेट कंडीशन का मतलब है नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी, प्रेजेंट स्टेट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब दोनों 1-1 देंगे तो ये प्रोहिबिटेड कंडीशन है, तो इसका तो हमें यूज ही नहीं करना होता है। ये हमने कंडीशन देखी थी, ये ट्रुथ टेबल थी हमारी, ट्रुथ टेबल। अब हम देखना चाहते हैं एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाएंगे। तो एक्साइटेशन टेबल बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। एक्साइटेशन टेबल में ध्यान रखना है कि हम क्या लेंगे, इनपुट साइड में क्या रखेंगे, नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, और उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, इनपुट्स निकालेंगे एस और आर। चलिए, 0-0, 0-1, 1-0, 1-1 चेक करते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, पहली कंडीशन में सबसे पहले तो देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 है। तो नेक्स्ट स्टेट 0 का मतलब है रीसेट कंडीशन। तो एक तो यहां कौन सी कंडीशन मिल रही है, रीसेट। रीसेट का मतलब ये, ठीक है। दूसरी चीज देखिए कि जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है, दोनों सेम है। दोनों अगर सेम रहते हैं, प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट सेम रहती है, तो साथ ही में कौन सी कंडीशन मिलती है, होल्ड कंडीशन भी मिलती है। तो इस ऐसा अगर 0-0 चाहिए, प्रेजेंट 0 नेक्स्ट भी 0 चाहिए, तो हम बोलेंगे कि रीसेट कंडीशन भी हो रही है और प्लस कौन सी कंडीशन, होल्ड।
मतलब आइदर रीसेट और होल्ड, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो नेक्स्ट स्टेट जीरो आएगी। मतलब प्रेजेंट अगर जीरो है और नेक्स्ट को भी जीरो लाना है तो दो तरीके हैं, या तो आप होल्ड कंडीशन रख लो तो जो प्रेजेंट है वही नेक्स्ट हो जाएगी, या फिर आप रीसेट कंडीशन रख लो तो प्रेजेंट से मतलब ही नहीं, नेक्स्ट अपने आप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब आप देखिए इन दोनों कंडीशन में एस तो क्या है जीरो, आर क्या है आइदर जीरो और वन, एक में जीरो एक में वन, तो हम इसे क्या लिख देंगे, डोंट केयर। बहुत बहुत आसान तरीका होता है। तो इसमें ये दो कंडीशन आ गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है यहाँ, वन। नेक्स्ट स्टेट वन कब मिलती है हमें, सेट कंडीशन के लिए। कौन सी कंडीशन के लिए, सेट कंडीशन के लिए। क्या दोनों सेम है, नहीं है, प्रेजेंट और नेक्स्ट सेम नहीं है, मतलब यहाँ होल्ड तो नहीं होगी, केवल कौन सी कंडीशन होगी, सेट कंडीशन। और सेट कंडीशन कौन सी है, ये। इसमें एस क्या है वन, आर क्या है जीरो। ये तरीका होता है एक्साइटेशन टेबल निकालने का। यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है, जीरो। नेक्स्ट स्टेट जीरो हमें कब मिलेगी, रीसेट कंडीशन के लिए। कौन सी कंडीशन के लिए, रीसेट कंडीशन के लिए। रीसेट कंडीशन के लिए हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी रीसेट कंडीशन के लिए। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है सेम, मतलब यहां होल्ड तो नहीं होगा, केवल कौन सा होगा, रीसेट। और रीसेट के केस में एस होता है जीरो और आर होता है वन। यहां देखिए, सॉरी, यहां देखिए नेक्स्ट स्टेट कितनी है, वन है। तो नेक्स्ट स्टेट वन कब मिलती है हमें, नेक्स्ट स्टेट, ये प्रोहिबिटेड कंडीशन है इसे तो भूल जाइए, नेक्स्ट स्टेट वन कब मिलती है हमें, सेट कंडीशन के लिए। कब मिलती है नेक्स्ट स्टेट वन, सेट के लिए। साथ ही साथ देखिए जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट है, ये दोनों सेम है, प्रेजेंट और नेक्स्ट सेम, जो प्रेजेंट है वही नेक्स्ट है, मतलब कौन सी कंडीशन, होल्ड। तो इसमें प्लस कौन सी, सॉरी, आइदर सेट और कौन सी कंडीशन, होल्ड। मतलब हम सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेट अगर हमें वन चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो आप सेट कंडीशन कर दो, सेट कंडीशन कौन सी है हमारी, ये है, एस को वन रख दो, आर को जीरो रख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेट वन मिल जाएगी। या फिर होल्ड कंडीशन रखो तो होल्ड में जो प्रेजेंट स्टेट है कितनी है, वन, वही नेक्स्ट आ जाएगी तब भी वन। तो आइदर सेट और होल्ड, तो सेट के लिए है वन जीरो और होल्ड के लिए है जीरो जीरो। तो इसमें देखिए आर तो हमेशा जीरो है, एस आइदर जीरो और वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डोंट केयर। तो ये हमारी बन चुकी है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल बनाने का ये तरीका होता है, ध्यान रखना, इस तरीके से हम एक्साइटेशन टेबल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ याद रखने का एक तरीका है, जीरो वन जीरो डी, और यहाँ से देखिए नीचे से ऊपर जाओगे तो जीरो वन जीरो डी, जीरो वन जीरो डी, यहाँ से ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो वन जीरो डी। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, के मैप बना के जरा कुछ इक्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, एक तो ट्रुथ टेबल की सहायता से हम के मैप बनाएंगे, इसमें आउटपुट क्या है हमारा, क्यू एन प्लस वन। अब यहाँ पे इस टेबल को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा कैसे एक्सपेंड, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेट आ रही है इनपुट और किसकी फॉर्म में, प्रेजेंट स्टेट की फॉर्म में, तो क्यों ना हम इसे ऐसे लिख दें, एस आर, सॉरी, एस आर और Qn, ये लिख दिया, और इनकी और यहां पे हम निकालना चाह रहे हैं Qn एन प्लस वन, और इन सभी को हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा ट्रुथ टेबल को दूसरे तरीके से बनाते हैं, और ये तरीका समझिएगा आप अच्छे से। जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, ये भी एक तरीका होता है, और वन वन वन, ये भी एक तरीका होता है ट्रुथ टेबल बनाने का, कि हमने क्यू एन को भी इनपुट की तरह कंसीडर करके और फिर नई टेबल बनाई। देखिए जब जीरो जीरो होगा तो होल्ड कंडीशन, होल्ड कंडीशन का मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है वही क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट। फिर से जीरो जीरो मतलब होल्ड, होल्ड का मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है वही क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट। जीरो वन का मतलब रीसेट कंडीशन, रीसेट में प्रेजेंट कुछ भी बनी रहे, नेक्स्ट हमेशा क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, क्योंकि रीसेट में जीरो आता है। फिर देखिए जीरो वन, प्रेजेंट कुछ भी बनी रहे, रीसेट कंडीशन है, तो यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। यहां तक पहुंच गए हम। यहां देखिए वन जीरो, वन जीरो का मतलब सेट कंडीशन, सेट कंडीशन में प्रेजेंट स्टेट कुछ भी बनी रहे, नेक्स्ट स्टेट वन ही आएगी। वन जीरो, तो यहां अगेन सेट कंडीशन, एस वन आर जीरो, तो सेट, प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट स्टेट हमेशा वन आएगी। वन वन, प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट स्टेट प्रोहिबिटेड, वन वन प्रोहिबिटेड, डोंट केयर कंडीशन हम मान के चले। अब हम इसको अगर के मैप में कन्वर्ट करें, ट्रुथ टेबल को के मैप में कन्वर्ट करें,
तो यहां से देखिए आ जाएगा एस आर, ये आ जाएगा क्यू एन। 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 ये 1, चेक कीजिए। 000 के लिए 0, सॉरी ये 1। 001 के लिए 1, 010 के लिए 0, 011 के लिए 0, 100 के लिए 1, 100 के लिए 1, 101 के लिए 1, 101 के लिए 1, और बाकी दो के लिए डोंट केयर कंडीशन। अब यहां पे हम चेक करते हैं, तो देखिए एक पेयरिंग तो ये हुई और एक पेयरिंग हमारी ये हुई। तो इस पेयरिंग में अगर हम देखें तो यहां और यहां क्या चेंज नहीं हुआ है, आर बार, और यहां पे क्या नहीं हुआ, क्यू एन, तो आर बार क्यू एन। इस पेयरिंग में हम देखें तो क्यू एन तो चेंज हो गया है, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ है, एस चेंज नहीं हुआ है। तो टोटल हम ये किसके लिए बनाई, हमने के मैप किसके लिए बनाया, क्यू एन प्लस वन के लिए। तो क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एस प्लस आर बार क्यू एन। ये इक्वेशन याद रखना है, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमें हर एक फ्लिप फ्लॉप में निकालना है। एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए हो गई एस प्लस आर बार क्यू एन, ये इक्वेशन हमने सीख ली। तो ये आज हमने देखा कि एक्साइटेशन टेबल देख ली, ट्रुथ टेबल देख ली, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी देख ली। ये तीन चीजें हमने देख ली। हर फ्लिप फ्लॉप के लिए हम पे ये तीन चीजें बनाते बनना चाहिए। आपको अगर हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ नॉलेजेबल हैं तो आप इन्हें शेयर जरूर कीजिए, कम से कम एक वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे, बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। तो आपको ऑर्डर में वीडियो देखना है। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज आपको काम आ सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।